कि मैंने रीवा से गोरखपुर गया जेई के लिए, मैंने पूरी कोचिंग की जेई के लिए, मैंने पढ़ा जेई के लिए, मैंने जेई दिया और फिर मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। तो गाइस ये कहानी स्टार्ट होगी आज से 2 साल पहले, जब मैं था क्लास 10th। क्लास 10th मैंने अपनी पास की और अब बारी थी 11th 12th में आने की। और जैसा कि सारे लोग जानते हैं, 10th से 11th का जो लैप होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा रहता है। और जिस तरीके से मैंने अपना 10th रीवा में किया था, मैं अपना 11th 12th भी रीवा से नहीं करना चाहता था, ठीक है। सो मैंने और मेरी मम्मी ने डिसाइड किया, हम लोग पहले पुणे जाने वाले थे और ये मैंने एक न्यू हेयर स्टाइल की और जिसका हालत एकदम खराब है। सो इसको अभी के लिए इग्नोर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम मस्त से सेट करके आऊँगा, बट अभी के लिए थोड़ा सा देख लो क्या जा रहा है। तो एनीवेज गाइस, फिर मैंने अपना 11th और 12th गोरखपुर से करने का ठाना और मैं गया गोरखपुर। और स्कूल ढूंढने से भी पहले मैं वहाँ के एक बहुत ही नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया, क्योंकि मेन मोटिव था यार जेई निकालो इंजीनियरिंग करो, ठीक है। मैं गया, मैं फर्स्ट बेंच में बैठा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा क्या चल रहा है क्या हो रहा है। और सिर्फ ऐसा एक इंस्टीट्यूट के साथ नहीं हुआ था, मैंने ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट देखे जितनों के भी नाम है। आई होप यू अंडरस्टैंड, जितने भी सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे जाना चाहते हैं, मैं वहाँ पे गया। मे भी दूसरों के लिए अच्छा होगा बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने पूरा देखा। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, कोचिंग तो बेटर नहीं है, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट बेटर नहीं है, मैं एक नॉर्मल ट्यूशन यहाँ पे ले लूँगा, जिसका कोई सेंस नहीं था। बट वो उसने मेरे को उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा हेल्प किया, एंड आई मीन इट। तो मेरा 11th स्टार्ट हुआ, मैंने अपना 11th में पढ़ाई किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 11th है तो लोग जानते हो कि 11th में तुम्हारे लाइफ के सबसे बेकार नंबर आते हैं। और इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें उठाने वाला हूँ अपने एजुकेशन सिस्टम वाली वीडियो से। सो इनकेस अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको देख लेना यहाँ पे, ठीक है, आई बटन में तुमको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। वो वीडियो थोड़ी लंबी है दोस्तों, बाद में देखना है, ठीक है, पहले इस वीडियो को देख लो। तो उसके बाद क्या हुआ, 11th मेरा बीता, 12th मेरा बीता, जैसे तैसे कर लिए। जो पूरी मेन कहानी में ट्विस्ट आया ना, वो ट्विस्ट अब आया लॉकडाउन के टाइम। लॉकडाउन शुरू होने से एक दिन पहले मैं और मम्मी और गुल्लू हम लोग गोरखपुर से रीवा आ गए, ठीक है, और उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। दैट वॉज 22nd मार्च, ठीक है, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। पहला हफ्ता बहुत ही बोरिंग टाइप का बीता, कुछ कर नहीं रहते, बट सडनली मैं दूसरे कॉलेजेस लाइक इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देखने लगा। मैंने बहुत सारे आईटी के अलावा, जैसे होते हैं ना आईटी जेई के अलावा जो कॉलेजेस है लाइक कॉमेट के हो गया, एमएसटी सिटी हो गया, मणिपाल वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने अपना एंट्रेंस भरा, मैंने फॉर्म फिलअप किया। ऐसे करते 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 मुझे सडनली कहीं से, एक्चुअली मैं मास कम्युनिकेशन के पास नहीं गया, मास कम्युनिकेशन मेरे पास आया, कहीं से मुझे मास कम्युनिकेशन में आ रहा है, मैं पता चल गया। ऑनेस्टली आई डोंट रिमेम्बर कहाँ से, बट पता चल गया। मैंने एक काम किया, मैंने गूगल पे गया और मैंने बस सर्च किया कि सिलेबस क्या है एक्चुअली मास कम्युनिकेशन में, पढ़ाया क्या जाता है, जो कि ट्रस्ट मी मैंने अपने पूरी लाइफ में इंजीनियरिंग का सिलेबस कभी नहीं चेक किया। एंड आई गेस जितने लोग इंजीनियरिंग जेई करने वाले हैं, मोस्टली, मैं हर किसी का नहीं बोल रहा बट मोस्टली, तुम लोग ने कभी एक बार गूगल पे खोल के देखा नहीं होगा कि एक्चुअली इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के बाद, जेई करने के बाद कॉलेज में पढ़ाया क्या जाएगा। मैंने मास कॉम के लिए देखा, मैंने देखा कि क्या पढ़ाया जा रहा है एंड आई वाज शॉक्ड, बिकॉज जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ लाइक अभी वीडियोग्राफी, फिल्म मेकिंग, जर्नलिज्म, ये सारी चीज़ें थी। और मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि यार ये सारी चीज़ें तो मैं हमेशा से करते आ रहा हूँ, लाइक मैं वीडियोस कितने टाइम से बना रहा हूँ, कैमरास कितने फैसिनेटिंग है, लाइटिंग, बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है मुझे। गूगल किया, यूट्यूब किया, बहुत सारी चीज़ें देखी और जब अच्छा खासा एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गया था, मैंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया और मैंने बोला कि मैं नहीं दूंगा जेई, ना ही मैं इंजीनियरिंग करने वाला हूँ, मैं करूँगा तो मास कम्युनिकेशन। मैंने डिसाइड किया, मम्मी से बातचीत, थोड़ा जैसे होता है ना घर में, अरे ये नहीं फ्यूचर क्या फलाना ढिमकाना, ये सब हुआ, बट एट द एंड सब मान गए और फिर हम लोग मास कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ गए। और अब जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में सर्च कर रहा था, एकदम से सबको छोड़ के मैं मास कम्युनिकेशन के कॉलेजेस को सर्च करने लग गया। बट देन आई केम टू नो कि बहुत सारे कॉलेजेस जिनके बहुत नाम है, उनके सिर्फ नाम ही है, उनमें वो इक्विपमेंट्स नहीं है। मास कम्युनिकेशन के लिए इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, ट्रस्ट मी, बिकॉज ये कोई थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है जिसमें तुम बैठ के बुक लेके पढ़ते रहोगे, नहीं,
जहां पे तुम्हारा पैशन डिसाइड करेगा कि तुम आगे जाके क्या करोगे, ठीक है। फिर ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस ढूंढते सडनली आई केम अक्रॉस डून बिजनेस स्कूल देहरादून। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने खोला, मैंने वेबसाइट देखी, आई वाज लाइक यही तो चाहिए मेरे भाई। कॉलेज तगड़ी जगह पे, कॉलेज के प्रोफेसर्स नेक्स्ट लेवल के, कॉलेज का इक्विपमेंट OMG, और सबसे इम्पॉर्टेंट यार मास कॉम के अगर कॉलेज में जा रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ काम देखना चाहिए। यूट्यूब चैनल, तगड़े वीडियोस, इतनी तगड़ी एडवर्टाइजमेंट, और सबसे बेस्ट चीज़ वहाँ ऐसा नहीं था कि इंजीनियरिंग भी भर ली है, ये भी भर ली है, बलाना भी ढिकाना भी नहीं, सिर्फ मास कॉम MBA और थोड़ा एग्रीकल्चर, ठीक है। तो मैं था भाई, मिल गया कॉलेज, मिल गया, मैंने अप्लाई किया, मैंने टेस्ट क्रैक किया, फिर मैंने इंटरव्यू क्रैक किया और मेरा दून बिजनेस स्कूल में हो गया। फिर उसके बाद की स्टोरी तो अब चालू हुई है ना यार। ये तो एक थोड़ा सा ये वीडियो से भी कॉन्टेक्स्ट देने के लिए था तुम लोग को कि एक्चुअली तुम लोग मेरे को फॉलो करने वाले हो, ठीक है। मैं तुम लोग को पूरा दिखाने वाला हूँ कि कॉलेज में मेरे साथ क्या क्या होता है, कॉलेज लाइफ कैसी होने वाली है मेरी, और मैं क्या क्या ऐसा करने वाला हूँ, मैं मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर तुम्हारा मानो इन दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तुम बस कुछ टाइम के लिए मुझे फॉलो करो, मेरे वीडियोज़ देखो, आई बेट तुमको आ जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, तुमको डेफिनेटली इंटरेस्ट आ जाएगा। और नहीं आया तो फिर सब्सक्राइब कर देना गाइस। ये क्यों कटाया मैंने अपने बाल, एनीवेज लाइक ये वीडियो से भी कॉन्टेक्स्ट देने के लिए था कि मैंने रीवा से गोरखपुर गया जेई के लिए, मैंने पूरी कोचिंग की जेई के लिए, मैंने पढ़ा जेई के लिए, मैंने जेई दिया और फिर मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, और फिर मैं मास कम्युनिकेशन में क्यों आया, ये वीडियो उसके बारे में। बहुत सारे लोगों को मास कम्युनिकेशन लगता है सिर्फ जर्नलिज्म, तो यार ये एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, ठीक है, ये थोड़ा मिलते जुलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मास कम्युनिकेशन करने के बाद बंदा सिर्फ जर्नलिस्ट ही बनेगा। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का एक छोटा सा बस एक पार्ट है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन एक बहुत वाइड इंडस्ट्री है, और अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ तो मीडिया में इतनी पावर है कि वो तुम्हारे टूथपेस्ट से लेकर के तुम्हारे गवर्नमेंट तक सबको चेंज कर सकते हैं, एंड आई मीन इट। और देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो मैं भी कॉलेज शॉपिंग पे भी एक वीडियो बना दूँ। और चलो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप तुमको मजा आया होगा, पर लाइक करना ज़रूरी है, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब किए हो अगर तो उसके बगल में एक बेल आइकन है, ठीक है, उसको भी दबा दो। सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो उसको भी दबा दो, क्या जा रहा है। और इनके सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ना यार, कर लो ना, क्या जा रहा है, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि और किस टाइप के टॉपिक्स में तुमको वीडियो चाहिए, एंड ये वीडियो कैसी लगी, तुमको समझ में आया ना मैंने मास कम्युनिकेशन क्यों लिया है। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लगे तो माफ करना, बस मुझे कफ हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, AKA आर्मी। বাংলা র‍্যাপ চলবে নাকি ছন্দ ভরা ছড়া লিখি গসপার প্লেটার টপ লোডেড বারান্দাতে দিয়ে উঁকি দেখি বাইরে টালির চাল ভর্তি সব পিস মাল রোজ দেখি বস্তি টাইপ।